नमस्कार, मैं सरिता अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम वेज पास्ता बनाते हैं। इसके लिए हमें जरूरत है पास्ते की, बारीक कटी शिमला मिर्च की, बारीक कटे टमाटर की, बारीक कटी प्याज की, घिसी हुई गाजर की, बारीक हरे धनिए की, तेल की, घिसे हुए अदरक की, बारीक कटे लहसुन की, टमाटर सॉस की, सोया सॉस की, चिली सॉस की, विनेगर की, कटी हरी मिर्च की और नमक की। अब हम एक बर्तन में पानी को गर्म करते हैं जिसमें कि हमें पास्ता उबालना है। अब हमारा पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें नमक डालते हैं, अब हम इसमें तेल डालते हैं। हमने 4 चम्मच तेल डाला है, पास्ता डालते हैं, अब हम इसे चलाते हैं। अब हम इसे 10 मिनट तक उबालते हैं। अब 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा पास्ता गल चुका है। अब हम इसे छलनी में छान लेते हैं। अब हम पास्ते को ठंडे पानी में डालते हैं और 5 मिनट के लिए रखा रहने देते हैं। अब हमें 5 मिनट हो चुके हैं, हम ठंडे पानी में से पास्ते को निकाल लेते हैं। हमारा पास्ता एकदम खिला खिला है। अब हम एक कढ़ाई को गर्म करते हैं। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें तेल डालते हैं। अब हम इसमें अजवाइन डालते हैं, अब हम इसमें लहसुन डालते हैं, कटी हरी मिर्च डालते हैं, प्याज डालते हैं। अब हम इसको हल्का भून लेते हैं। अब हम इसमें अदरक डालते हैं, टमाटर डालते हैं, शिमला मिर्च डालते हैं, नमक डालते हैं, गाजर डालते हैं, पीसी लाल मिर्ची डालते हैं, थोड़ी हल्दी डालते हैं। अब हम इसमें पास्ता डालते हैं, पीसी काली मिर्च डालते हैं, टमाटर सॉस डालते हैं, चिली सॉस डालते हैं, सोया सॉस डालते हैं, हल्का सा नमक और डालते हैं। अब हम इसे चलाते हैं। अब हम इसमें विनेगर डालते हैं। हरा धनिया डालते हैं और 2 मिनट भूनते हैं। हमारा पास्ता तैयार है। अब हम इसे एक बर्तन में निकालते हैं। लीजिए, हमारा वेज पास्ता तैयार है। ये आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।